नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं आपके सेक्शन आप लोग के साथ, आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की सटासट खबरों पर। कोरोना से बचाने वाला एलईडी मास्क जो बताता है आप कब बोल रहे हैं और कब मुस्कुरा रहे हैं। एक मास्क की कीमत 3,800 रुपए। इंदौर में कोरोना में अब तक 53,651 लोगों के सैंपल टेस्ट, इनमें से 3,922 संक्रमित मिले, 163 मरीजों की संक्रमण से जान गई। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका में अश्वेतों के मुद्दे में ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य बेसों का नाम बदलने से इनकार किया, बोले ये हमारी विरासत का हिस्सा है। दवाओं के कच्चे माल के लिए हम चीन पर निर्भर, हर साल 65% से ज्यादा माल उसी से खरीदते हैं। देश के टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड में 4 चीन के। इंदौर में पानी के पाउच के साथ जा रहे हैं सैंपल, पब्लिक टॉयलेट के पानी से धोई जा रही एम्बुलेंस। क्रिकेट पर कोरोना का असर, सौरभ गांगुली ने कहा IPL बिना दर्शकों के भी हो सकता है, सभी विकल्पों पर चर्चा के बाद जल्द फैसला लिया जाएगा। गुटके के लिए कोरोना को भूले राजस्थान में कर्फ्यू की अफवाह फैली, दुकानों पर गुटखा खरीदने वालों की भीड़ लगी, 215 रुपए का पैकेट 450 रुपए में बिका। ICC के प्रोग्राम में मोदी कोरोना आपदा को आत्मनिर्भर भारत के लिए ट्रेनिंग पॉइंट बनाना है, पीपल प्लानिंग और प्रॉफिट एक दूसरे से इंटरलिंक है। राजस्थान में सियासी क्वारंटाइन, कांग्रेस ने 110 विधायकों को होटल में शिफ्ट किया, गहलोत बोले भाजपा ने खरीदी बिक्री के लिए 2 महीने टाले राज्यसभा चुनाव। महाराष्ट्र में 60 साल बाद भी नहीं हुआ कोयना बांध के विस्थापितों का पुनर्वास, 5 जिलों के 100 से ज्यादा गांव के 10,000 लोगों ने घर पर प्रदर्शन शुरू किया। सटासट खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।